राजस्थान से उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीकर में गैस सिलेंडर में धमाका हुआ है। तो एलपीजी सिलेंडर फटने से 13 लोग झुलसे हैं, धमाके में घायल लोगों में से 9 की हालत नाजुक बनी हुई है। तो गंभीर रूप से घायलों को जयपुर के लिए रेफर किया गया है। सिलेंडर फटने से आसपास के घरों में भी आई दरार। तो राजस्थान के सीकर से ही पूरी घटना सामने आई, जहां पर सिलेंडर फटने से आसपास के घरों में भी दरार आई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये धमाका अचानक वहां पर होता है। वहां मौजूद लोगों को जरा भी बात महसूस नहीं होगी कि आखिर अगले ही पल उनके साथ किस तरह से घटना घट सकती है। तो सीकर में गैस सिलेंडर फटने से ये धमाका हुआ है। एलपीजी सिलेंडर फटने से 13 लोग झुलसे हैं। तो आपको बता दें कि 9 की हालत इन 13 लोगों में से नाजुक बनी हुई है। ये तस्वीरें बेहद ही हैरान और रूह कपाने वाली तस्वीरें हैं। वहां से गुजर रहे लोगों को जरा भी इस बात का आभास नहीं होगा कि अगले ही क्षण उनकी जीवन उनकी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। तो राजस्थान के सीकर की ये तस्वीरें, जहां पर एलपीजी सिलेंडर फटने से 13 लोग झुलसे हैं, जिसमें 9 की हालत बेहद गंभीर, और जयपुर के लिए फिलहाल उन्हें रवाना किया गया है। तो आपको ये राजस्थान की सीकर की तस्वीरें बेहद ही रूह कपाने वाली तस्वीरें। अचानक यहां पर धमाका होता है और ये धमाका गैस सिलेंडर फटने से हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आमजन यहां से लोग गुजर रहे हैं, उनको जरा भी इस चीज का एहसास नहीं, आभास नहीं कि यहां पर इस तरह का कोई धमाका उनकी जिंदगी छीन लेगा। हालांकि ये बता रहे हैं कि यहां पर कोई मरने की खबर तो नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि 13 लोग इस धमाके में झुलस गए हैं और 9 की हालत गंभीर है। तो सीकर में गैस सिलेंडर फटने से यह धमाका हुआ है और धमाका इतना जोरदार था कि सिलेंडर फटने से आसपास के घरों में भी दरार आ गई है। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर R9 टीवी के जरिए राजस्थान के सीकर की है, जहां से ये पूरी घटना सामने आई है। तो फिलहाल जिन घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है, उन्हें जयपुर के लिए रवाना किया गया है। तो राजस्थान के सीकर की पूरी घटना आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए R9 टीवी पर। सिलेंडर फटने से आसपास के घरों में भी दरार आ गई है। तो फिलहाल यहां पर जांच का यहां पर विषय बना हुआ है कि आखिर ये सिलेंडर फटा क्या, कारण क्या इस धमाके के पीछे रहे, किसकी लापरवाही, क्योंकि जान भी यहां पर जा सकती थी। हालांकि बताया जा रहा है कि 9 की हालत गंभीर बनी हुई है।